आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, यानी चार प्रकार की चूड़िया आपको बताएंगे, जो कि आप स्केल के साथ भी बना सकते हो और फ्री हैंड भी बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, मैंने चार प्रकार की एक थ्रेड्स यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, एक सीधी लाइन आपको लगानी है और यहाँ पे हम बनाएंगे स्केल थ्रेड, और सेकेंड बनाएंगे हम एक्मे थ्रेड, ठीक है, उसके लिए भी आपको एक सीधी लाइन लगानी है, और नंबर थ्री पे हम बनाएंगे बटर थ्रेड, उसके लिए भी आपको एक सीधी लाइन लगानी है, और नंबर फोर पे बनाएंगे नकल थ्रेड, उसके लिए भी आपको एक सेंटर लाइन लगानी है। चार लाइन लगानी है। अगर चार लाइन लगा के अगर आप बनाते हो तो काफी जल्दी से चारों चूड़िया आप बना देते हो। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, स्क्वायर थ्रेड यहाँ पे बनाएंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चौस, ठीक है ना। इस चूड़ी की क्या होती है कि लंबाई, ठीक है, यानी जो हाइट और जो चौड़ाई है वो बराबर होता है, और जो गैप होता है वो भी बराबर होता है। तो कैसे क्या करना है, तो देखिए, स्केल को ऐसे मान लीजिए कि यहां से लेके और यहां तक आपको एक 10 mm की इस तरीके से लाइन खींचनी है सीधी, ठीक है। उसके बाद में यहां से स्केल रख के फिर एक 10 mm का फिर आपको एक निशान लगाना है, और ऊपर की तरफ आपको फिर एक 10 mm का ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो ये ऊपर से इसको क्लोज कर देते हैं, तो आपकी क्या है, स्केल थर्ड बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या काम करना है, 10 mm की फिर एक और गैप छोड़ना है, 10 mm की दूरी के ऊपर फिर हम ऐसे करना है, इन दोनों को ऊपर से इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर 10 mm का गैप, ठीक है, और हाइट भी आपको 10 mm की लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि स्केल जो थर्ड जो होती है उसमें बराबर जो होते हैं, जो गैप जो होता है, जो पिच जो होती है वो बराबर होती है। तो यहां से लेके यहां तक फिर 10, और फिर इसको मिला। तो ये क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार, ये अगर आपकी जो सीट की जो स्पेस जो है वो कम है तो उसकी अगर हम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 5 mm, चौड़ाई भी 5 mm ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि 10 ऐसे लिया हुआ है, 10 ही ऐसे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, स्क्वायर सा यहाँ पे बन गया है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, जो एंगल जो होता है ना, ये वाला जो एंगल जो ये ऐसे लेके ऐसे बना, कितने डिग्री का बना, ये बना आपका 90 डिग्री का। तो आपको क्या काम करना है, इस तरीके से ऐसे करके और ये ऐसे करके और यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। और ये क्या बन गई है इसकी, यहां से लेके ये बन गई है इसकी हाइट। तो आपको क्या काम करना है, ओनली यहाँ पे एच लिखना है। एच का मतलब जो कि आवश्यकता के अनुसार आप हाइट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि पिच, पिच आपको पता है कि एक जो टीथ होता है उसका साथ वाले जो टीथ होता है उसकी जो दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं। तो पिच कहां से बनेगी, इस टीथ से और ये ऐसे, ठीक है ना। ये आपकी क्या बन गई, यहां पे पिच ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या काम करना है आपको, इस तरीके से बस। उसके बाद में सेक्शन लाइन कर देते हैं ऐसे, तो प्रिय विद्यार्थी इस तरीके से आप ये बना सकते हो। देखिए, स्केल थर्ड की जो ड्राइंग हमने बना दी है, तो आइए चलते हैं एक्मे थर्ड। एक्मे थर्ड में आपको क्या काम करना है कि जो एंगल जो बनता है वो 29 डिग्री का बनता है, यानी 29 डिग्री का बनता है। बार बार एग्जाम के अंदर ये जो है आपका एक्मे थर्ड की, एक्मे थर्ड जो होती है, जो चूड़िया होती है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में बनानी आती है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, सबसे पहले एक पॉइंट नीचे की तरफ, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, हाइट अगर हम 10 mm लेते हैं तो चौड़ाई भी नीचे 10 mm की लेते हैं। तो कैसे क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसे आपको करना है, फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। तो यानी ये 10 mm ऐसे आपकी हो गई है। अगर हम हाइट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से लेके 10 mm का आपको ऐसे निशान लगाना है, ठीक है ना। निशान लगाने के बाद में क्या काम करना है, इस साइड के अंदर भी 2.5 और इस साइड के अंदर भी 2.5, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका, 5 mm हो जाएगा। तो कैसे, इस सेंटर लाइन से मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, नीचे 10 हो गया, ऊपर 5 हो गया, इन दोनों को आपस में मिला दो, मिलाने के बाद भी एंगल बन जाएगा आपका 29 डिग्री का ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। फिर 5 mm का गैप छोड़ेंगे,
फिर ऐसे करेंगे, वो सेम ही करेंगे 10 पॉइंट के ऊपर आपको फिर 2.5 इधर 2.5 इधर, ऐसे मिला ठीक है। उसके बाद है फिर इस यहां से लेके 2.5 एमएम ठीक है। इसके बाद में आपको क्या काम करना है, फिर 10 एमएम यहां से और ये 2.5 और ये 5 एमएम हो गया। फिर इसको ऐसे मिला लेते हैं ऐसे, और ये आपका हो गया है इधर ये 10 हो गया ठीक है। तो प्रीव डॉट क्यू ऐसे आप बना सकते हो, और ये एक में जो थ्रेड जो है चूड़ी है वो रेडी कर दी है, यानी जो एंगल जो बना है वो कितने डिग्री का बना है यहां पे 29 डिग्री का ठीक है। और ये क्या है यहां से लेके यहां तक इसकी एच हो गई, क्या हो गई है एच हो गई। अब पिच की बात करें तो कहां से कहां होगी पिच, सिंपल सी बात है, एक पे खुद के साथ वाला जो टीथ है वो उसकी पिच कहलाता है। तो यहां से लेके और ये जो दूरी जो है ये पिच हो गई इसकी ठीक है ना। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, वही सेक्शन लाइन करेंगे ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे कर लेते हैं सेक्शन लाइन, ऐसे रेडी कर सकते हो। जितने भी जो एंगल बने हैं वो 29 डिग्री के बने हैं। तो आइए नंबर 3 पे बनाते हैं बटर थर्ड। बटर थर्ड के अंदर क्या होता है, जो एंगल जो बनता है एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, दूसरा बनता है 45 डिग्री का। तो कैसे क्या करना है, एक सिंपल लाइन लगानी है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, जैसे यहां से लेके यहां तक आपको 10 एमएम की दूरी लेनी है ठीक है। इसके ऊपर ऊपर की तरफ फिर आपको 10 एमएम लेना है, इस तरीके से एक सीधी लाइन लगानी है। जहां से हमने 10 एमएम स्टार्ट किया था उसको ऐसे आपको मिलाना है ठीक है। उसके बाद में फिर आपको 10 एमएम की दूरी के ऊपर फिर एक पॉइंट लगाना ऊपर की तरफ, कितने एमएम का 10 एमएम का, ऐसे इस पॉइंट को फिर मिला दो। फिर आपको इसी तरीके से 10 एमएम की दूरी से ऊपर की तरफ फिर 10 एमएम और फिर ऐसे लाइन, इसी तरीके से आपको फिर क्या काम करना है 10 एमएम और फिर ऐसे फिर 10 एमएम वर्टिकल और। तो ये कौन सी बन गई आपकी बटर थर्ड। बटर थर्ड ये जो एंगल जो बना है ये कितने डिग्री का बना है 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे ये बन गया है। तो इसके बाद में आपको इस तरीके से और ऐसे कर देते हैं ठीक है। इसके बाद में सेक्शन लाइन देखिए, इसका मतलब क्या है, सेक्शन लाइन का मतलब है कि ये ठोस है, और जैसे जैसे मैंने इसे ऐसे ऐसे किया तो इसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ज्यादा भी हो सकती है। तो आइए नंबर 4 पे बनाते हैं नकल थ्रेड। तो नकल जो थ्रेड जो होती है इसका कोई एंगल नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, इसका जो रेलवे कैरिज की जो कपलिंग होती है वहां पे नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कैसे करना है कि एक सेंटर लाइन लगानी है ठीक है। सेंटर लाइन लगाने के बाद में ऊपर की तरफ आपको ऐसे करना है, एक अनुमानित दूरी के ऊपर आप इस तरीके से ऐसे बना सकते हो ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये नकल थ्रेड हो गया ठीक है। सेक्शन लाइन कर देते हैं ऐसे ठीक है ना। तो यहां पे ऐसे ऐसे आर ये ले सकते हो आप ठीक है, और ये भी सब प्रकार से आर जो भी आप ले सकते हो आसानी से
ठीक है ना, फ्री एड बनाना चाहते हो तो फ्री एड भी बना सकते हो, तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो प्रिय दाती चारों जो थ्रेड जो है मैंने आज आपको बता दिए, जो कि स्किल के साथ भी बना सकते हो और फ्री एंड भी बना सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।